हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड की बात करेंगे, नेट ग्रिड। साथ ही साथ हाल ही में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा, उसके भी हम बात करेंगे। देखो, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, बेसिकली I4C भी इसको कहते हैं, ये अप्रूव हुआ था अक्टूबर 2018 में। जितने भी तरह के साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उनसे कॉम्प्रहेंसिव और कोऑर्डिनेट मैनर में डील करेगा। इसके 7 कंपोनेंट है, 7 में से नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एक है, उसकी हम अलग से बात करेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो 7 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? नेशनल साइबर क्राइम थ्रीट एनालिटिकल यूनिट, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग, सेंट्रल साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट, नेशनल साइबर क्राइम रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर, नेशनल साइबर क्राइम फोरेंसिक लेबोरेटरी इकोसिस्टम, प्लेटफॉर्म फॉर जॉइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम। इसमें जरूरी है जानना वो है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। बेसिकली वो जानने से पहले समझ लो जो I4C है उसको, उसमें उसके द्वारा रीजनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर्स भी एस्टेब्लिश किए जाएंगे। 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने अपनी सहमति दे दी है। मेन जो सेंटर रहेगा स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर, वो जो है न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। बाकी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की बात करूँ, जो 7 कंपोनेंट में से एक है, तो ये सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव है, यानी सिटीजन्स को खास ध्यान में रख के ये बनाया गया है। इसमें साइबर क्राइम्स को रिपोर्ट कर दिया जा सकेगा ऑनलाइन, और जो भी कंप्लेंट्स होंगी वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा आराम से एसेस की जा सकेगी। ये पोर्टल स्पेसिफिकली फोकस करता है क्राइम पे, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रन और पर्टिकुलरली चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्स अब्यूज मटेरियल, ऑनलाइन कंटेंट जो भी है, गैंगरेप वगैरह, इन सब से रिलेटेड, जो साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इससे डील करेगा। फाइनेंशियल क्राइम, सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम भी ये देखेगा। पोर्टल लॉन्च हुआ था 30 अगस्त 2019 को पायलट बेसिस पे, तो पोर्टल जो है ये लॉन्च हो चुका है और 7 कंपोनेंट में से एक है, ध्यान रखना। ये बेसिकली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की कैपेसिटी इंप्रूव करना चाहता है कि जो केसेस उनको ढंग से इन्वेस्ट करने की, और कोऑर्डिनेशन बना रहे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बीच में, डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनकी, डिस्ट्रिक्ट्स और पुलिस स्टेशन के बीच में, अलग अलग राज्यों की अलग अलग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे। ये तो हमने बात कर ली, ठीक है। नाटग्रिड क्या है? नाटग्रिड एक प्रोजेक्ट है, वो भी बेसिकली जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जो भी डाटाबेस है उनसे कलेक्ट करके इनका अकाउंट जो है जोड़ के और डाटाबेस बनाया जाएगा। और बेसिकली आप देख सकते हैं कि नाटग्रिड की अगर मैं बात कर लूँ तो पर्टिकुलरली एम्बिशियस काउंटर टेररिज्म प्रोग्राम है, यानी कि डाटाबेस कलेक्ट करने का मकसद क्या होगा? टेररिज्म को रोकना। जैसे कि एनालिटिक्स की जाएगी, इसमें एनालिसिस किया जाएगा जो डाटा निकल के आएगा उनका। भाई मान लो अगर टेररिस्ट अटैक होता है तो हम जो ये इन्फोर्समेंट एजेंसी से आराम से नाटग्रिड पर देख सकती है कि किन टेररिस्ट का इसके पीछे हाथ हो सकता है, कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए हो सकते हैं। अब इससे क्या है कि एक लीगल स्ट्रक्चर डेवलप होगा जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आराम से उसको असेस कर सकती है। अब ये ध्यान में रखा गया जब मुंबई 26/11 अटैक हो, उसके बाद इस चीज़ को बनाने की सोची गई, और ज़रूरी भी है। लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म भी निकल के आ रहे हैं। क्रिटिसिज्म निकल क्या है, इससे पहले देख लो कि इसको डाटाबेस को असेस कौन कर सकता है। 11 जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपनी इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं उनके ऑथोराइज्ड पर्सन ही एसेस कर सकते हैं, और केवल प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन के लिए ही कर सकते हैं। अगर टेररिज्म का शक होता है किसी पे तो ही कर सकते हैं। अब क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि अगर प्राइवेसी की दिक्कत है, लीकेज हो गई तो, और कई बार टेरर रुकेंगे कैसे? भाई इनका जो डाटाबेस है वो 11 इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास रहेगा, पुलिस वालों के पास रहेगा नहीं, स्टेट एजेंसीज के पास रहेगा नहीं, तो वो टेररिज्म को किस प्रकार रोकेंगे? इमीडिएट एक्शन नहीं होगा ना भाई, डाटाबेस तक पहुंच इनकी थोड़ी होगी। जो पुलिस वाले, जो स्टेट एजेंसी जो पार्टिकुलरली एक्शन कर सकती है इमीडिएट, उनके पास होना जरूरी है ना। तो ये बात है, तो टेरर रुकेगा कैसे, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि एकदम से टेरर प्रिवेंट कैसे होगा। क्योर तो हो सकता है पर प्रिवेंट कैसे होगा ये समझ में नहीं आ रहा। तो फ्यू एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मिसयूज भी हो सकता है, कुछ चीज़ें निकल के आ सकती है, लीकेज भी हो सकता है। लेकिन नाटग्रिड की जरूरत क्या? देखो नाटग्रिड की जरूरत यह है कि अगर नाटग्रिड नहीं होगा तो कभी भी टेररिस्ट अटैक वगैरह होते हैं तो पुलिस क्या करती है, सबूत इकट्ठा करने के लिए, लोगों की गवाही लेने के लिए बहुत गंदे मेजर्स अपनाती है, हार्श और कोरेसिव मेजर्स अपनाती है, प्रेशर डालने की कोशिश करती है, और आपने देखा होगा कई बार करती हुई है। तो ऐसे टेररिस्ट अगर इंसिडेंट होंगे तो जो सस्पेक्ट्स हैं, जो मासूम हैं, कुछ लोगों को पकड़ के जबरदस्ती जेल में डाल दिया जाता है, उनसे जबरदस्ती पूछताछ की जाती है,
मारपीटी की जाती है। तो इनसे बढ़िया है कि अगर एक पैटर्न सर्च और रिकॉग्निशन सिस्टम हो जिसमें किसी भी इंसान का डाटाबेस उसमें हो, तो ये देख सकते हैं कि इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। फिर इससे ना मारपीटी होगी ना कोई हार्श मेजर होगा, बस ठीक है उसका डाटाबेस पुलिस वाले देख लेंगे कि ये ऐसा आदमी है, इस तरीके से इसके साथ हिस्ट्री में ये है। और इससे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि जो लोग जिनका बैकग्राउंड सस्पिशियस है, जो कि हिस्ट्री शीटर रहे हैं, जिन्होंने पहले कभी क्राइम रहा है, तो उन पर नज़र रख सकते हैं। तो कभी भी जो है NATGRID का जो डाटा है वो इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास एक्सेस रहेगा, ऑथोराइज पर्सन इसको एक्सेस कर सकते हैं, और कोई भी मूवमेंट अगर होता है तो वो ट्रैक किया जा सकेगा। किसी भी, जैसे मान लो किसी आदमी पे शक हो गया कि भाई इसके पीछे टेररिस्ट इंसिडेंट के पीछे ये आदमी था, उसका डाटाबेस अगर है तो उसे ट्रैक किया जा सकेगा कि आदमी कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ नहीं जा रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है। गाइस, ये थी हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।